हेलो गाइस, आप जुड़ चुके हैं अल्पेश इलेक्ट्रॉनिक में। और ये एक टीवी आई है रिपेयरिंग में, 32 इंच माइक्रोमैक्स, मॉडल नंबर भी देख लीजिए। और इसमें प्रॉब्लम ये है कस्टमर का कि डेट इंडिकेटर लाइट नहीं आ रही है, ये देख लीजिए। इंडिकेटर लाइट प्लगिंग भी कर ली है, स्विच ऑन, एंड लाइट इसमें आ नहीं रही, इंडिकेटर नहीं दे रहा है। और आवाज़ भी कुछ नहीं, डेट ही है पूरा टीवी। और इसमें प्रॉब्लम दूसरा भी एक है कि चालू होके बंद भी हो रही है, मतलब इंडिकेटर चालू भी हो रहा है, इसलिए खोल के ही पूरा देखेंगे क्या प्रॉब्लम। एसी पॉइंट में रख देना है अपने को, और पहले मेन एसी पॉइंट चेक करेंगे, एसी पॉइंट चेक करेंगे। और एसी 200 के आजू बाजू होना चाहिए, 250 के आजू बाजू, ये 240 के आजू बाजू हो गया, ये ओके अपना। अभी डीसी में रखेंगे और डीसी चेक करेंगे, कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर को चेक करेंगे, 350 के आजू बाजू होना चाहिए वो। और ये 340-300 जैसा है, ये भी कम्प्लीट है। अभी मेन 12 वोट चेक करेंगे, एक ग्राउंड लगा देंगे पहले, और 12 वोट यहाँ एक जंपर है बस, यहाँ पे चेक कर लेंगे, 12 वोट भी कंप्लीट है अपना। अभी इसमें डेट प्रॉब्लम है तो चेक करना क्या है अपना, दूसरा पैनल पे, पैनल का भी 12 वोट नहीं आ रहा, मतलब ये डेट है, शॉर्टिंग है कुछ ना कुछ आगे, और चेक करेंगे अभी शॉर्टिंग क्या है। ये पावर सप्लाई से भी एक पॉइंट भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पर बैक लाइट का भी 10 वोल्ट ही आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए था, यहाँ पे भी 10 ही आ रहा है। ठीक है, अभी बैक लाइट चेक करते। और यहाँ पे एक टेक्नीशियन ने कुछ काम किया ही है पहले, कहाँ पे गया वो, और 10 ही आ रहा है, चेक करते हैं आगे। अब बैक लाइट टेस्टर लेंगे और चेक करेंगे बैक लाइट टेस्टर में क्या है क्या नहीं, क्योंकि बैक लाइट पहले चेक करना है अपने को, मेन स्लॉट निकाल लें पहले। बैकलाइट का पिन निकालना है, पिन निकालने के बाद बैकलाइट टेस्टर आता है, उससे चेक करेंगे बैकलाइट कैसा क्या वर्क होता है। ये मार्केट में आसान से मिल जाता है बैकलाइट टेस्टर। और वीडियो पूरा देखना, आपको आसानी होगी कैसे क्या करना है क्या नहीं, पूरा वीडियो देखना आप। ये चालू किया और इसमें 300 वोट इसे आता है बैकलाइट टेस्टर, एलईडी बैकलाइट चेक करने के लिए स्पेशल आता है ये। अभी बैकलाइट की जो पिन है, एक माइनस और ग्राउंड, माइनस और प्लस सॉरी, वो चेक करेंगे, और 21 ही आ रहा है। यहाँ पे बैकलाइट में भी प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, इसीलिए वो डेट आ हो रहा है। बैकलाइट भी चेक करना पड़ेगा खुल के, डिस्प्ले पूरा खोलना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, बैकलाइट वोल्टेज चेक करेंगे अभी, बैकलाइट में क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं वोल्टेज। ये अभी स्टैंड बाई के बाहर, स्टैंड बाई इंडिकेटर लाइट आ गई, देखो गाइस इंडिकेटर लाइट इसमें आ गई है, और ये बैकलाइट के छेड़े निकालने के बाद ही इंडिकेटर लाइट आ रही है। आपको दिखाता हूँ इंडिकेटर, रेड लाइट आ रही है, पहले रेड लाइट भी नहीं आ रही थी, अभी ये रेड लाइट भी आ रही है, तो इंडिकेटर लाइट भी आ रही है। अभी वोल्टेज चेक करते हैं बैकलाइट का, और ये बैकलाइट वोल्टेज अपना आना चाहिए 40 के ऊपर, ये स्टैंड बाई में आ रहा है 11 जैसा आ रहा है, 40 के ऊपर आना चाहिए स्टैंड बाई के बाद। और ये स्टैंड बाई में से उठाते हैं, अभी स्टैंड बाई में पहले 11-12 आ रहा है, अब स्टैंड बाई के बाद कितना आता है वो चेक करते हैं। और ये स्टैंड बाई के बाहर आ गया, स्टैंड बाई किया निकाला, और ये आ रहा है अपना, देख लेते एक बार प्रॉप बराबर लगा के, 25-24-23 इतना आ रहा है। ये वोल्टेज भी प्रॉब्लम है, तो इन्वर्टर भी देखेंगे, इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम है, बैकलाइट में तो है ही शॉर्टिंग, तो पहले इसमें भी चेक करेंगे। अभी इसको खोल लेते हैं, बैकलाइट पहले चेक कर लेते हैं। Like
पेपर निकालेंगे और चेक करेंगे बैकलाइट। और बैकलाइट देखो गाइस, आपको दिखाता हूँ बैकलाइट में क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या नहीं। पेपर ये सीट रखना है डिस्प्ले निकालने के बाद, और आपको ये पेपर पहले निकालना है क्या है पेपर में प्रॉब्लम क्या नहीं है। पहले आपको दिखा देता हूँ स्क्रू खोलने के पहले, ये एक जंपर लगा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जंपर वाला सिस्टम। बैकलाइट में प्रॉब्लम होने के बाद तीनों जितनी भी पट्टी हो नई पट्टी डालना चाहिए। तो पूरा ये खोलेंगे स्क्रू जितना भी हो उतना। देखो ये बैकलाइट में किसी टेक्नीशियन ने एक जंपर लगाया है, मतलब एक खाली उड़ा होगा तो उसमें एक जंपर लगा के पूरा चालू कर दिया है। इसी वजह से ये इन्वर्टर भी ख़राब हुआ है और ये बैकलाइट भी ख़राब हुई है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जितना भी पट्टी हो उतना सभी पट्टी डाल देना चाहिए। अभी अपन सब पट्टी डालेंगे, जितना तीनों तीन पट्टी है वो तीनों तीन डालेंगे। पहले एक बार और टेस्ट कर ले क्या प्रॉब्लम है बैकलाइट में भी, कितनी वॉट की है कितना है आपको सही से दिखाऊंगा मैं, कितना वॉट की बैकलाइट है और इन्वर्टर में कितना चाहिए पावर वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये 300 वॉट आ गया है, ये पहले माइनस प्लस प्रोब रखेंगे, यहाँ पे एक पट्टी में प्रॉब्लम है और ये 27 शॉर्टिंग है, इसलिए देखो 21 आ रहा है। लास्ट वाला बल्ब आप ध्यान से देखिए ब्लिंकिंग हो रहा है, ऐसा ब्लिंकिंग नहीं होना चाहिए। ये कारण के लिए इन्वर्टर भी उड़ा है और ये आप बैकलाइट भी उड़ी है, और ये एक 3 वॉट की अपनी एक बल्ब है। अभी नया पट्टी का वोल्टेज देखेंगे कितनी है, माइनस प्लस रखा और ये 21, ठीक है, और ये 21 जब फुल चालू होते तभी 24 आती है, मतलब पहले आप रखोगे तो 21 ही आएगा और फुल उठेगी तब 24 तक पहुंच जाएगी आपके। अभी वायरिंग करेंगे, वायरिंग में कैसा है ये सीरीज़ में बनाना है अपने को, सीरीज़ में करेंगे पैरेलल, ग्राउंड माइनस और ग्राउंड माइनस ऐसे करेंगे, और दो जो प्लस है एक प्लस में लगाएंगे और एक माइनस में लगाएंगे ऐसा, और ये दोनों डायरेक्ट एक माइनस और एक प्लस, फिर वहाँ से माइनस लेके प्लस में, माइनस लेके प्लस में ऐसा करेंगे। ये बैकलाइट टेस्ट करेंगे अभी कितना वोल्ट है क्या नहीं है, नया पट्टी लगाया है उस हिसाब से एक पट्टी चेक करते हैं। 21 के आजू बाजू आना चाहिए, वो आ रहा है 21-27 के आजू बाजू, और पूरा वोल्टेज चेक करेंगे, पूरा वोल्ट अपना आना चाहिए 66 के ऊपर आ रहा है, जैसे 63 अभी 63 और ऊपर जाएगा तो 68-69 तक आ जाएगा। अभी कटिंग करते हैं पेपर और टेप लगाते हैं।
हेलो गाइस, ये इंडिकेटर लाइट चालू हो गया और स्टैंड बाई में से उठाएंगे और चेक करेंगे टीवी को चालू हो गया, बैक लाइट कंप्लीट, इन्वर्टर बोर्ड भी डाला इसमें, वो भी आपको अगले वीडियो में इन्वर्टर कैसे बोर्ड डालते हैं वो भी सिखाएंगे। और अभी पैक करते हैं टीवी को पूरा। हेलो गाइस, ये टीवी माइक्रोमैक्स का मॉडल चालू हो गया, बैक लाइट का प्रॉब्लम था और इन्वर्टर बोर्ड भी डाला इसमें और कंप्लीट हो गया। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और नए वीडियो ऐसे आते रहेंगे।